जी अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत भी है, ठीक है। तो आज हम इधर वादिया कलाश में आए हुए हैं। हम इधर चिकन कढ़ाई बनाने लगे हैं, आपको दिखाते हैं कि किस तरह की बनानी है, और फिर इधर खा के सब भाई मिल के आपको कमेंट्स में बताते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सब लोगों को, सब दोस्तों को मेरी तरफ से। और आज जो शेखपुरा से मेरे दोस्त आए हैं दादा फूड के नाम से, तो आज ये स्पेशल अपनी कुकिंग यहाँ पे जो है ना हमारे सामने कर रहे हैं। अभी देख के भी मज़ा आ रहा है, इंशाल्लाह आगे जो खाने का जो जायका है वो हम इंशाल्लाह आपके साथ ज़रूर शेयर करें। मिर्चें, लहसुन और अदरक, तीनों चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे। चलो जी कुटो। खबज मिर्च, इसका पेस्ट डालेंगे। जी यार हल्दी आ गया, हमने इसको अच्छे तरीके से भून लिया है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, उसको तवा फ्राई करने लगे हैं। इसको हमने व्हाइट मिर्च लगाई है और नमक लगाया है, दो तरह से बन गई है, एक कढ़ाई में और एक साथ तवा फ्राई। बोनलेस को तवा फ्राई कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साजिद भट्टी साहब आ गए ने। वाह जी वाह। बोनलेस तवा फ्राई कैसा लगा तुम? जी तवा फ्राई की क्या बात है, बहुत टेस्टी है, लजीज है और एक मुनफरिद अंदाज में बनाया गया है। फुल रेडी हो रही है और ऐसा ऐसा घी इसके ऊपर आ रहा है, तो अभी हम इसको 5 मिनट के लिए मज़ीद भून लेंगे ताकि इसका मुकम्मल जो घी है वो ऊपर आ जाए।
सर्दी बहुत ज्यादा है, बाहर बर्फ पड़ी हुई है। चिकन तवा फ्राई चिकन जो बहुत बेहतरीन बन चुका है, अभी हम इसको खाने लगे हैं। शकील साहब अच्छा जी, दादा फूड वालों ने कमाल दिखाया, कमाल कर दिए। ये कैलाश में भी आगे जो है ना, जबरदस्त मजा आया। दाता फूड वालों ने कमाल किया, दाता वालों ने ये फूड बनाया, ये बहुत जबरदस्त है। हाँ इतना टेस्टी है कि क्या बताएं, तारीफ की अल्फाज ही नहीं मिले। सच में हाँ, हमने लाहौर में भी खाया है ना, लेकिन ये तो बहुत ही टेस्ट है। इसमें सरदार भाई बताओ यार, अरे बहुत जबरदस्त बना है। ਸਾਡਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਸਟ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਖਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਟੇਸਟ ਸੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕਲਾ ਖਾਨ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਦੀ ਕਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ, ਔਰ ਦਾਤਾ ਫੂਡ ਵਾਲੇ ਇੱਧਰ ਕਲਾਸ਼ ਆਏ ਥੇ ਔਰ ਉਹਨੇ ਹਮਾਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੇ ਉਹਨਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਥੇ ਹਮ, ਔਰ ਉਹਨਕਾ ਇਹ ਜੋ ਖਾਣੇ ਕਾ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਹਮ ਕਿਆ ਬਤਾਏ। जिन्होंने दादा साहब फूड नहीं है वो जमे सरदार खान जी से मेरा ताल्लुक है। अच्छा दादा फूड वालों ने डिनर पे इनवाइट किया था, माशाल्लाह खाना बड़ा जबरदस्त बना था, मजा आ गया, इतना टेस्टी है कि बहुत मजा आ गया था। अच्छा जिकर थे चार पांच प्लेट और खा जा माशाल्लाह, भरा तो है लेकिन दिल कर रहा है कि और खाओ। लग तो रहा है कि नहीं भरा है लेकिन अच्छा भर गया, महसूस हो रहा है कि भरा है, बहुत भरा है। अच्छा बहुत मजा आया सर आपका जी, सर बोलो का खाना खा के आज बहुत मजा आया जी जी। मेरा दिल कर रहा है कि मेरा होटल में भी हमेशा ऐसा ही खाना पके जी जी। माशाल्लाह तुहानू पता फिर साडे आलू ते जड़ा ना जी अपना देशा दी तरह जिंदाबाद है, माशाल्लाह ते आज भी जिंदाबाद है। दादा फूड जिंदाबाद, कबर कबर पेश करता हूँ। थैंक्स थैंक्स।